नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमन ठाकुर। चलिए, रुक हो चुका है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का। कोविड 19 वैक्सीन के लिए जारी किए गए कोविन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है। बहरहाल, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस बदलाव को कोविड शील्ड के साइड इफेक्ट वाले मामले से जोड़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वैक्सीन सर्टिफिकेट में बदलाव किया गया है। तेलंगाना के मेडक जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलित, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में एक रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, रजाकारों के प्रतिनिधि वहां सांसद में जाकर बैठे हैं, इस बार मौका मिला है, माधवी लता को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजें और हैदराबाद को रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को 700 करोड़ रुपए की अटारी बॉर्डर ड्रग्स जब्ती मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एनआईए की टीम ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 8 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह गाना और डांस, शराब पीना और खाना या एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन का आयोजन नहीं है। इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध समारोह का अभाव के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। ऑगस्टन जॉर्ज मसीह के बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में ग्रेट वैल्यू की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। 5 कानपुर देहात से भोपाल जा रही एक महिला को उसके पति ने चलती ट्रेन में ही 3 तलाक दे दिया और फिर उसे ट्रेन में छोड़कर चला गया। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली मुस्लिम महिला का विवाह कानपुर देहात के मोहम्मद अरशद से हुआ था। अरशद पहले से ही शादीशुदा था और दूसरी पत्नी को बिना बताए उसने उससे दूसरी शादी कर ली और आए दिन दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया करता था। पुलिस ने अरशद के खिलाफ मुकदमा लिखा और उसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड अभी जिंदा है। अमेरिकी पुलिस ने उसकी हत्या के खबरों का खंडन किया। हरियाणा पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट विलियम जे एली ने कहा कि किसी ऑनलाइन चैट के कारण दावा किया जा रहा है कि गोलीबारी का शिकार गोल्डी बराड है, तो हम पुष्टि करते हैं कि यह बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि यह अफवाह किसने शुरू की, लेकिन इसने तूल पकड़ लिया और जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन यह खबर सच नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना पर लाखों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक सड़क हादसे में उनके ममेरे भाई की मौत हो गई है। इस हादसे में कुल 2 लोग की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तार टैक्सी ने स्कूटी को टक्कर मार दी और फिर टैक्सी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना में स्कूटी चालक सौरभ निवासी पुठांगा की मौके पर ही मौत हो गई। भुवनेश्वर में दिल्ली के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही एक विमान की बुधवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल उड़ान भरने के बाद विमान ओलावृष्टि के बीच फंस गया था। इस कारण विमान क्षतिग्रस्त हो गया और इसे आपात स्थिति में ही भुवनेश्वर पर उतारना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि विमान में 169 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। उत्तरी कश्मीर में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में मिट्टी का कटाव और भूस्खलन देखने को मिला, जिससे गांव की आबादी में दहशत फैल गई। फिलहाल इसमें किसी को चोट की सूचना नहीं मिली है। ये थी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। देखते रहिए आर्यन न्यूज। मिलता हूँ और नई 10 खबरों के साथ। देखते रहिए आर्यन न्यूज। जय हिंद।